हाय फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के पास एक बहुत ही यूनिक रेसिपी लेके आई हूँ, जो है बिना ऑयल के फ्रायम पापड़ आलू चिप्स आदि को कैसे भूने। इस तरह की चीज़ों को भूनने के लिए हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। हम सिर्फ नमक को 2 मिनट के लिए प्री हीट कर लेंगे। नमक हीट होने के बाद हम इसमें फ्रायम को ऐड कर लेंगे। फ्रायम को ऐड करने के बाद हम कंटिन्यूसली इसे चलाते रहेंगे। तो आप ये देख सकते हैं ये किस तरह से फूलने लगे हैं। मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए थोड़ी सी क्वांटिटी में बनाया है, नमक भी बहुत कम लिए हैं, आप चाहे तो ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। और ये फ्रायम भून जाने के बाद ये नमक भी वेस्ट नहीं करना है, आप चाहे तो उसे फिर कुकिंग में भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसी तरह मैंने 2 बेचों में सारे फ्रायम को फ्राई कर लिए हैं। अच्छा चटपटा खाना किसे नहीं पसंद, पर आज के समय में हम सब हेल्थ कॉन्शियस हैं, इसीलिए हमें कुछ चीज़ों को अवॉइड करना पड़ता है। तो अगर इसी तरह हम फ्राई करके खाएं तो हमारी हेल्थ भी बची रहेगी और हमें खाना छोड़ना भी नहीं पड़ेगा। और एक ख़ास बात, अगर हम इस तरह पापड़ को फ्राई करके खाएंगे तो हमें अपने टेस्ट के साथ भी कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा। हम ऑयल में फ्राई करने से हमें जो टेस्ट आता है, इस तरह फ्राई करने से भी टेस्ट सेम रहेगी। साथ ही मेरी आप लोगों के पास एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी वीडियोस थोड़ी भी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। किसी